हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। और इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन किस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस में। सबसे पहला जो टॉपिक है इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन On the basis of mode of nutrition, how many types of organisms present in the base of nutrition? अगर हम इसकी बात करें कि nutrition के अकॉर्डिंग mode of nutrition जो पोषण विधि है, mode of nutrition के basis पे अगर हम लोग बात करें तो कितने types के जो है organisms present होते हैं। तो अगर हम लोग mode of nutrition की बात करें तो on the basis of mode of nutrition organisms divided into two groups. The first is autotrophs and second is heterotrophs. The first is autotrophs and second is heterotrophs. Autotrophs क्या होते हैं, अगर इसकी बात किया जाए कि what is autotrophic animal या organism, हम autotrophic किसको कहते हैं? तो ऑटोट्रॉपिक्स मींस जो अपना न्यूट्रिशन स्वयं जो है बना सके, अपना न्यूट्रिशन स्वयं के बनाए हुए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके द्वारा अपना न्यूट्रिशन ये प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे अगर हम न्यूट्रिशन की डिफिनेशन की बात करें, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन जो भी हम फूड ग्रहण करते हैं उस फूड ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन वो जो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज द देर आर टू टाइप, द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स की अगर बात किया जाए तो मैंने कहा कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन स्वयं यानी स्वयं जो बनाए हुए भोजन, उस भोजन से यानी स्वयं के जो फॉर्मेशन से वहां पर सिंथेसाइज्ड फूड है उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉप्स में भी दो प्रकार की होती है, इसको की अगर हम देखें तो दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक एंड सेकेंड इज कीमोसिंथेटिक। द फर्स्ट इज होमोसिंथेटिक एंड सेकेंड इज कीमोसिंथेटिक। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक प्रोसेस एंड अनदर कीमोसिंथेटिक प्रोसेस। तो अगर हम बात करें कि द फर्स्टली फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में होता क्या है, तो इसमें प्रेजेंस द कह सकते हैं कि इसमें ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी कि जो फूड का फॉर्मेशन होगा, जो भोजन बनेगा, जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड होगा, वो कार्बोहाइड्रेट या जो फूड है उसका सिंथेसिस जो है वहां पर लाइट के प्रेजेंस में वहां पर उसकी सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। यानी यहां पर क्या है, लाइट जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, लाइट यहां पर प्रेजेंट होगा और इसके थ्रू, इस लाइट के थ्रू यहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, फोटो फोटो मींस होता है लाइट एंड सिंथेसिस मींस होता है यहां पर फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ फूड प्रेजेंस ऑन द लाइट। तो अगर वहां पर लाइट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वहां पर फूड का जो फॉर्मेशन होगा उसको हम नाम देंगे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। एंड अनदर कीमोसिंथेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें कि वेयर लाइट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, कह सकते हैं वेयर इज द लाइट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड। तो यहां पर क्या है कि जो फूड का फॉर्मेशन होगा वहां पर लाइट की आवश्यकता नहीं है, मींस हम कह सकते हैं ये लाइट के एब्सेंट में होगा, यहां पर लाइट के प्रेजेंट नहीं होगा, वरन यहां पर लाइट के एब्सेंट में ये सारे प्रोसेस होंगे। इसमें क्या होगा, कीमो मींस केमिकल, केमिस्ट्री जैसे कहते थे केमिकल, मींस कुछ केमिकल सब्सटेंस को यदि उसको डिग्रेड किया जाए
यदि केमिकल सब्सटेंस को डिग्रेड किया जाए तो उससे जो भी वहां पर न्यूट्रिशन निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, उस एनर्जी का यूज अगर ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन में कर रहा है तो उस टाइप्स को हम कहेंगे कीमोसिंथेसिस प्रोसेस। आपको फिर से याद करना है कि कीमोसिंथेसिस क्या है, वेयर किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन के आधार पर यदि वहां पर कोई एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और उस एनर्जी का यूज जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिशन के रूप में कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक प्रोसेस। तो ये दो टू टाइप्स के प्रोसेस है। अब चलते हैं इसका डिटेल में, पढ़ते हैं कि ये इसमें होता क्या है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म? अगर बात किया जाए कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं, तो वही चीज कि वे ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंट में अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उनको कहते हैं वहां पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे जो इन्वायरमेंटल CO2 है, इन्वायरमेंटल CO2 एंड जो सॉइल वाटर है, इन्वायरमेंटल CO2 एंड सॉइल वाटर, ये दोनों आपस में मिलते हैं और ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मीन्स यहां पर लाइट होगा एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल द CO2 एंड H2O, ये CO2 और H2O में यहां पर रिएक्शन होगा और जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर जो है फूड का फॉर्मेशन होता है और प्लस कुछ वाटर का मॉलिक्यूल्स यहां पर जो है वो निकलता है और इसके अलावा O2 यहां से रिमूव होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो है, बट ये ऐसे नहीं कि इस एक एक केमिकल रिएक्शन होगा, ये बहुत सारे रिएक्शन से होते हुए तब जाकर के वहां पर जो है इसका फॉर्मेशन होगा, H2O बनेगा, O2 बनेगा। यहां पर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिस O2 कहां से निकला है, O2 का उद्गम केंद्र कहां है, O2 CO2 से रिलीज हो रहा है या H2O से रिलीज हो रहा है। तो आपको याद होना चाहिए O2 का जो रिलीज होता है ये प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की उपस्थिति में होता है, यानी कि ये यहां पर इस प्रोसेस से H2O से O2 निकलता है। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 12, 6 एंड 6। इसमें होता क्या है, तो यहां पर कहेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स का फोटोलाइसिस हो रहा है, मींस फोटोलाइसिस मींस लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन। क्योंकि टू प्रोसेस होंगी, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में टू प्रोसेस आते हैं, एक लाइट रिएक्शन आता है और दूसरा डार्क रिएक्शन आता है। तो लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि वेयर लाइट प्रेजेंट हो, जहां पर लाइट प्रेजेंट होता है, इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन की जो खोज है वो हिल एंड स्कैरिस ब्रिक ने किया था, अतः हम इसे हिल रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है, तो लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स का फोटोलाइसिस होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का फोटोलाइसिस होता है, जिसके यहां से यहां पर जो है फोटोलाइसिस प्रोसेस में यहां पर O2 जो है निकलता है। तो हमें जो O2 कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर दिमाग में अगर आता है तो आपको तुरंत इसको बताना है कि O2 जो हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं यहां से, प्लांट से जो O2 निकल रहा है, वो O2 कहां से निकल रहा है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स का जब फोटोलाइसिस कराया गया है। फोटोलाइसिस मींस क्या है, फोटो मींस होता है लाइट एंड लाइसिस मींस स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग किसके, स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस। तो ये फोटोलाइसिस के प्रोसेस पे H2O वाटर मॉलिक्यूल से O2 रिलीज होता है। एंड सेकंड की अगर हम लोग बात करें कि अगर कहा जाए, इसको थोड़ा सा हम और ऊपर लिख देते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो चल रहा है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये था पूरा हेडिंग है, मान लिया हेडिंग है फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो CO2 से ये जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ये कैसे बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो एक्चुअली CO2 होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, इस CO2 का रिडक्शन होता है।
और ये जैसे हमने कहा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, मतलब कि ये स्वतंत्र होता है। अगर लाइट प्रेजेंट है तब भी हो सकता है और अगर लाइट एब्सेंट है तब भी होगा। मेनली इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि वेयर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, और इसकी खोज ब्लैकमैन ने किया था, सो हम लोग इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या हो रहा है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। और इस रिडक्शन प्रोसेस में इस CO2 का रिडक्शन होता है, और इस रिडक्शन के फलस्वरूप यहां पर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें आपको टू रिएक्शन देखने को मिल रहा है, एक लाइट रिएक्शन देखने को मिल रहा है वेयर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एंड सेकेंड जो है डार्क रिएक्शन वेयर इज नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और ब्लैकमैन्स रिएक्शन, बिकॉज जो डार्क रिएक्शन है डार्क रिएक्शन डिस्कवर्ड बाई ब्लैकमैन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन। और यह है क्या, इट इज द रिडक्शनल प्रोसेस वेयर CO2 होगा, CO2 को रिड्यूस कौन करेगा, NADPH2 करेगा। वो NADPH2 मिलेगा कहां से, वो यहां से मिलेगा, जब इसका फोटोलाइसिस होगा तो यहीं पर NADPH2 बनेगा और वो आकर के इसका जो है रिडक्शन करेगा, और इस रिडक्शन के थ्रू यहां पर जो है कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, और ये कार्बोहाइड्रेट ही जो है यही है फूड, इसी फूड को बनाना है, यही है ऑटोट्रॉपिक्स, ये स्वयं फूड बन रहा है। कौन बनाता है क्वेश्चन, ये किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म इसको बनाते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सभी के सभी जो है ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, और अपना न्यूट्रिशन के लिए अपना जो फूड है उस फूड का सिंथेसिस स्वयं कर सकते हैं। यानी ये प्रोसेस कहां हो रही है, ये प्लांट में हो रहा है। अब कभी कभी क्वेश्चन कि प्लांट के किस पार्ट में हो रहा है, तो प्लांट के जो सेल होता है, प्लांट का यूजुअली जो इसके लीफ उसके है, अगर हर्बेसियस प्लांट है तो उसके स्टेम में भी हो सकता है, बट जो हायर प्लांट्स है उसके लीफ में जो होते हैं, लीफ में क्या होता है कि लीफ की जो सेल्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक जो है, अगर हम देखें तो यहां पर एक प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में अगर हम बात करें, ये स्ट्रोमा लैमेली होते हैं बीच बीच में कहीं कहीं पर, ये इसी स्ट्रोमा लैमेली पर एक सिक्के की ढेर की आकृति पाई जाती है, और जिसको कहते हैं ढेर को कहते हैं ग्रेनम, और एक को कहते हैं थाइलेक्वाइड। ये है थाइलेक्वाइड, और इसके एक ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम, और ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं ये जो होता है ये स्ट्रोमा होता है। इसमें स्वयं का DNA होता है, राइबोसोम होता है, उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल ग्रेनम एंड स्ट्रोमा से है। तो ये क्वेश्चन कि ये क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस कहां हो रही है, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, जैसे हम लोग कह रहे हैं यहां पर जो है लाइट एंड डार्क रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, ये हो कहां रहा है। तो इसमें से जो लाइट रिएक्शन मीन्स जहां पर फोटोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑब्टेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो ये प्रोसेस जो हो रही है लाइट रिएक्शन की, ये होता है स्टॉक ऑफ थाइलेक्वाइड, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेनम, उस ग्रेनम में होता है। मीन्स कह सकते हैं इसकी यूनिट क्या है, थाइलेक्वाइड होता है। थाइलेक्वाइड वर्ड यूज्ड बाय मिंक, थाइलेक्वाइड जो वर्ड है इसका यूज सबसे पहले मिंक ने किया था, MENKE मिंक ने किया था। उसका जो डार्क रिएक्शन की प्रोसेस होती है, डार्क रिएक्शन मींस जहां पर CO2 का रिडक्शन होता है, द रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म एंड प्रोड्यूस ए कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी सोर्स भी है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसी से एनर्जी ऑब्टेन करता है जो प्लांट्स होते हैं या अदर जो एनिमल्स होते हैं जिस पर डिपेंड होते हैं, वो भी अपना एनर्जी जो होता है इसी से प्राप्त करता है। तो ये जो पूरा पार्ट होता है ये स्ट्रोमा वाले पार्ट्स में होता है। तो ये आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एक साथ होता है, और दोनों को कॉम्बिनेशन को कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस,
वेयर लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट दोनों प्रोसेस होगा, बट मेनली क्या है इसमें लाइट प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स का फोटोलाइसिस होना है। तो आपको यह क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है। सेकेंड स्टार्ट करते हैं कीमोसिंथेटिक प्रोसेस। सेकेंड है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस, ये कीमोसिंथेसिस किसमें होता है? तो सम बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया की हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया एज ए प्रोकैरियोट सेल्स होता है, मोनेरियन सेल्स होता है। प्रोकैरियोट सेल्स का मतलब ये होता है कि उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल। सो यहां पर क्या होगा कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। अगर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है तो ये जो क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हैं ये भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, तो ये भी एब्सेंट होगा। जब ये एब्सेंट है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, ये भी एब्सेंट है, तो ये यहां पर क्या होगा कि कुछ ऐसे चीजें होंगे जिसके कारण वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। हालांकि कुछ बैक्टीरिया में अगर हम लोग बात करें, सम बैक्टीरियाज हैव क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एकदम उसके समान कुछ स्ट्रक्चर से पाया जाता है, बस उसमें यूनिलैमिनेट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जैसे बैक्टीरियो परप्यूरिन हो गया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, बैक्टीरियो विरिडिन हो गया, क्लोरोबिन क्लोरोफिल हो गया, तो उसके प्रेजेंस में वो जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है। बट मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं, मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है वो सारे बैक्टीरिया जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को जो है ये डिग्रेड करते हैं। क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं, और इस डिग्रेड की प्रोसेस में जो भी एनर्जी वहां से प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी का यूज वो अपने न्यूट्रिशन में कर लेते हैं। तो ये तो क्लियर होगा कि अपने न्यूट्रिशन में कहां से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जब किसी केमिकल सब्सटेंस को वो डिग्रेड करते हैं तो उस डिग्रेडेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी का यूज वो अपने न्यूट्रिशन में करते हैं। ये प्रोसेस आपका हुआ कीमोसिंथेसिस में। अब कौन कौन से हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं आयरन बैक्टीरिया है। आयरन बैक्टीरिया क्या करेगा? आयरन बैक्टीरिया जो फेरस होते हैं उस फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करके करेगा, और जो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता तो जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी का यूज वो अपने न्यूट्रिशन में कर लेता है। जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया ये हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ता है, उस हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर अलग कर देता है, हाइड्रोजन अलग कर देता है, और इससे जो न्यूट्रिशन निकलता है उस न्यूट्रिशन के द्वारा वो अपना जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी के द्वारा अपना न्यूट्रिशन करता है। तो जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है, आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कभी भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसी फॉर्म में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनको नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड नाइट्रेट के फॉर्म में ही प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। और उसमें हेल्प कौन करता है? उसमें हेल्प करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये करता क्या है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और इससे जो भी एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज ये अपने न्यूट्रिशन में कर लेता है। ऐसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, वो भी जब हाइड्रोजन सब्सटेंस को, कोई भी हाइड्रोजन आयंस वाले, वो हाइड्रोजन ग्रुप वाले सब्सटेंस को तोड़ेगा उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज वो अपने न्यूट्रिशन में करता है। तो इस तरह से ये थे ऑटोट्रॉप्स, यानी कि यहां पर ये किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी से अपना न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, ये स्वयं न्यूट्रिशन को जो है एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, उसी का यूज अपने न्यूट्रिशन में कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेटिक, दैट मींस ऑटोट्रॉप्स। अब सेकंड आते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉपिक कैसे अपने न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉप्स है। हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ये अपने एनर्जी के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर
डिपेंड होते हैं तो उसको कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, यानी अपने न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करेगा, न्यूट्रिशन टेक बाय अदर ऑर्गेनिज्म। और कौन से अदर ऑर्गेनिज्म, वो हो सकता है ऑटोट्रॉप्स भी हो सकता है या इनडायरेक्ट वे में ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होगा, या तो डायरेक्ट ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होगा या इनडायरेक्ट वे में ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होगा। हेटरोट्रॉप्स जो होता है, जैसे किसी हम लोग बात करें हेटरोट्रॉप्स में कौन कौन से, जैसे सबसे पहले पैरासाइट आते हैं इसमें, पैरासाइट हो गया, सेप्रोफाइट हो गया, सेप्रोफाइट हो गया, या सिम्बियोटिक हो गया, सिम्बियोटिक हो गया। अब पैरासाइट है, पैरासाइट कैसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा, पैरासाइट जो अपना न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइट मतलब होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे तब हम उसको कहेंगे पैरासाइट। मतलब ये अपना न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करेगा, न्यूट्रिशन टेक्स बाय लिविंग होस्ट, लिविंग होस्ट, सो इट इज नोन एज पैरासाइट एंड दिस नो और एंड इट्स नेचर इज पैरासिटिक नेचर, पैरासाइट होते हैं। सेकेंड इसकी बात करते हैं, जैसे पैरासाइट में कौन कौन से आते हैं, जितने भी हम लोग के बॉडी में पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरी हो गया, विब्रियो कॉलरी हमारे शरीर में पाया जाता है, पैरासाइट के रूप में होता है, कॉलरा डिजीज उत्पन्न करता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो गया। तो जो किसी लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है उसको कहते हैं पैरासाइट। प्लांट्स में भी कुछ पैरासिटिक नेचर के होते हैं, आपको पता होना चाहिए प्लांट्स में भी पैरासाइट होते हैं, जैसे कस्कुटा, कस्कुटा जो होता है, एग्जांपल प्लांट्स में है कस्कुटा, कस्कुटा जो होता है ये भी पैरासाइट होता है, ये भी पैरासाइट नेचर का होता है। एक है सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट क्या होता है, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन टेक्स बाय नॉन लिविंग होस्ट, जो नॉन लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हो उसको कहेंगे सेप्रोफाइट। यानी अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर कुछ कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले अंशों, कार्बनिक पदार्थों आदि से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, जैसे कि राइजोपस हो गया। मैक्सिमम जितने भी फंजाई होते हैं, जितने फंजाई रहते हैं वो सभी के सभी सेप्रोफाइट नेचर के होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन किसी नॉन लिविंग होस्ट से ही प्राप्त करते हैं। सिम्बियोटिक क्या होता है, सिम्बियोटिक पे जो न्यूट्रिशन होता है, यहां पर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में न्यूट्रिशन या अदर कुछ एंड अदर सब्सटेंस के लिए वहां पर आपस में कह सकते हैं कि अदला बदली होता है, कह सकते हैं एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, तो वो सिम्बियोटिक होता है। सिम्बियोटिक क्या है, मतलब दो होस्ट है, जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, एक राइजोबियम है, राइजोबियम, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो होता है, मिनोसेरम, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। और दूसरा एक अगर हम ले लेते हैं यहां पर एक दूसरा है चीज, लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट्स, जितने भी लेग्यूम प्लांट जिससे हमें दाल प्राप्त होता है उसे हम लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं, जैसे पाइसम सेटाइन मटर हो गया, कैजनस कैजन यानी अरहर हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। तो इस लेग्यूम प्लांट्स का जो रूट नोड्यूल्स होता है, रूट नोड्यूल्स, इस रूट नोड्यूल्स में जैसे सपोज करते हैं ये लेग्यूम प्लांट्स का रूट नोड्यूल्स ये है, रूट नोड्यूल्स ये हो गया, तो इस रूट नोड्यूल्स में यहीं पर जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है ये यहां पर पाया जाता है, ठीक। तो ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम करता क्या है, ये राइजोबियम जो होता है ये यहां पर जो नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो ये नाइट्रेट क्या करता है, ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी एब्जॉर्प्शन के थ्रू इसका प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि प्लांट्स तो कभी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं ले सकता है, पहला प्रोसेस है। तो ये तो इसको बेनिफिट दे रहा है, दोनों दोनों को बेनिफिट मिलेगा, इसको बेनिफिट मिल रहा है और इसको क्या मिल रहा है, इसको इससे एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी जो निकल रहा है इसका यूज जो कर रहा है, और क्या रहा है, इसको रहने को घर मिल गया, रहने को स्थान मिल गया है।
तो ये यहां पर दोनों एक दूसरे को लाभ दे रहे, तो ये प्लांट इसको लाभ दे रहा है, ये इसको प्लांट को लाभ दे रहा है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं सिम्बियोटिक नेचर के। तो ये भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अगर हम थोड़ा सा हेटरोट्रॉप्स को दूसरे श्रेणी में लेकर चले, यानी कि ऑर्गेनिज्म में केवल एनिमल में लेकर के चले, एनिमल की हम केवल बात करें, तो एनिमल में जैसे कि प्रोड्यू क्या नाम है कार्निवोर्स होता है, वो क्या नाम है हर्बीवोर्स होता है, हर्बीवोर्स जो डायरेक्ट अपना न्यूट्रिशन, डायरेक्ट अपना न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी प्लांट से लेते हैं, तो उसको हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स होता है, कार्निवोर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कैसे इनडायरेक्ट वे में? ये इसको मार के खाएगा। इसने अपना न्यूट्रिशन कहां से लिया है? ये अपना न्यूट्रिशन टेक किया है प्लांट्स से, तो ये तो प्लांट से नहीं ले रहा न्यूट्रिशन, इसने अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लिया है, लेकिन ये अपना न्यूट्रिशन इससे ले रहा है, इस हर्बीवोर से। तो ये इनडायरेक्ट वे में प्लांट से। और एक और होता है ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स जो सब कुछ खा ले, इसको भी भक्षण कर ले, इसको भी कर ले, और कभी कभी इस प्लांट्स को भी यहां पर वो खा सकता है, भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो ये यहां पर हेटरोट्रॉप्स की श्रेणी में आते हैं। एक तो ये हेटरोट्रॉप्स है जो माइक्रोब्स में देखने को आपको मिलेगा, और अगर आप हायर एनिमल में जाएंगे तो ये इसमें हेटरोट्रॉप्स नेचर के होते ही। अब इससे क्वेश्चन निकल के आ रहा है ह्यूमन क्या है, ह्यूमन क्या है? तो ह्यूमन भी हेटरोट्रॉप्स में नेचर में आता है। अब ह्यूमन को वैसे तो ओमनीवोर्स में रखा गया है, क्योंकि वो प्लांट्स पर भी डिपेंड रहता है, एनिमल को भी कभी कभी क्या होता है, कुछ जो ह्यूमन है वो मांसाहारी भी होते हैं, तो वो मांस का भी भक्षण करते हैं। तो इस तरह से जहां पर हम देखें तो हेटरोट्रॉप्स जो मनुष्य है वो हेटरोट्रॉप्स नेचर का होता है, यानी पर पोषित किसी दूसरे होस्ट से अपना, किसी दूसरे होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो इस तरह से जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर टू टाइप्स, द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द लाइट रिएक्शन प्रोसेस वेयर जब वेयर द फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, तो इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड कीमोसिंथेसिस वेयर द फूड फॉर्मेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ बाय द डिग्रेडेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, सो इट इज नोन एज कीमोसिंथेटिक प्रोसेस। सो टू टॉपिक इज द अंडर टू द ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, वेयर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को टेक्स प्लेस बाय एन अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटरोट्रॉप्स, वेयर इज पैरासाइट सेप्रोफाइट और सिम्बियोटिक नेचर के हो सकते हैं। पैरासाइट मीन्स द न्यूट्रिशन टेक प्लेस बाई लिविंग होस्ट, सो इट इज नोन एज पैरासाइट्स। एंड सेप्रोफाइट वेयर द न्यूट्रिशन टेक प्लेस बाई नॉन लिविंग होस्ट, सो इट इज नोन एज सेप्रोफाइट। एंड सिम्बियोसिस क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट टू ऑर्गेनिज्म के बीच में हो रहा है, ठीक है, इन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन टेक प्लेस in the between two living host, by two living host, so it is known as symbiotic nature. तो ये यहाँ पर इसका example है। And another अगर हम organisms की बात करें तो organisms में भी ये अलग अलग होते हैं, जैसे herbivores हो गया, carnivores हो गया and omnivores होता है। Herbivores directly depends for the nutrition by the plants, इस पर on the plants, and carnivores the indirect way में, यानी कि ये food के, यानी यहां पर क्या करेंगे, ये फूड को प्राप्त करेंगे कैसे, इनडायरेक्ट वे में प्लांट से, क्योंकि ये इसको खा रहा है, और ये जो होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकता है। सो इट इज नोन हेटरोट्रॉप्स। जो एनिमल होता है, यानी मनुष्य जो होता है, मनुष्य भी हेटरोट्रॉप्स नेचर में आता है। तो ये आज का आपका पहला टॉपिक था इस लाइफ प्रोसेस के, जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में, उस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था न्यूट्रिशन। आपने देखा कि कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये आप टॉपिक क्लियर करिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।